सुप्रभात कक्षा दसवीं। आज हम हिंदी का पाठ छह शीर्षक चुनबुन इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के पहले कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं और शब्दार्थ, इसे पढ़ना है। ध्यान से सुनिए आप। चुनबुन, नटखट, बिछड़, छिलके, बगुला, गलती, ढूंढना, कोशिश, चैन, अटक, अटका, मुर्गी, ये आपके कठिन शब्द हैं। आप इसे बार बार पढ़ेंगे जिससे आप सही उच्चारण कर सकें। इसके बाद में आपके ये शब्दार्थ की नटखट, शैतान, कोशिश, प्रयास, अटकना, फंसना, परिणाम, फल, ढूंढना, खोजना, चैन, आराम। तो आपने इस पाठ में देखा कठिन सर शब्दार्थ। अब आपका पाठ का नाम क्या है? चुनबुन। चुनबुन इसमें एक मुर्गी के बच्चे का नाम है। एक मुर्गी है, उसका छोटा सा बच्चा है जिसने अपने बच्चे का नाम रखा है मुर्गी, चुनबुन। चुनबुन बहुत नटखट है, बहुत शैतान है। क्या होता है? वो इधर उधर अपनी मर्जी से घूमता रहता है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहा करो, यहाँ वहां मत जाया करो, लेकिन थोड़ी देर उसे याद रहता है फिर वो भूल जाता है। जब भी मुर्गी अपने घर से बाहर निकलती डालना ढूंढने के लिए तो साथ में चुनमुन को लेकर जाती थी। एक दिन क्या हुआ, चुनमुन और मुर्गी दोनों घर से बाहर निकले। बहुत दूर जाते 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 क्या हुआ, मुर्गी तो बहुत आगे निकल गई लेकिन जो वो चुनमुन था वो इधर उधर अपने आदत के अनुसार इधर उधर निकल गया और दूसरे रास्ते में निकल गया। मुर्गी बहुत आगे निकल गई, ये घूमते 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 बहुत आगे गया तो उसको कुछ दूरी पे मटर के छिलके दिखाई दिए। तो चुनमुन गया वहां पे और मटर के छिलके के बीच में गया और दानों को ढूंढने लगा और उसमें से दाने जो से मिले खाने लगा। वो तो बच्चा था तो क्या हुआ, एक मटर का दाना उसके गले में फंस गया। अब गले में जब फंस गया तो उसे बहुत तकलीफ हुई और उसे अपने उस समय माँ की याद आई, तो इधर उधर ढूंढने लगा, जोर जोर से रोने लगा, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उसकी माँ उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो बहुत घबरा गया, यहाँ वहां भागने लगा कि अब मैं क्या करूँ। और इसी बीच क्या हुआ, मुर्गी जब बहुत आगे निकल गई तो उसने देखा कि चुनमुन नहीं दिखाई दे रहा है तो वो भी पीछे पलट कर आने लगी। अब जब वो पीछे पलट कर आने लगी इधर से चुनमुन भी जाने लगा तो दोनों एक जगह पर मिले। उस समय बहुत बुरा हाल था चुनमुन का, गले में काफी तकलीफ हो रही थी, जोर जोर से रो रहा था। माँ ने देखा तो पूछा क्या हुआ, तो उसने अपना मुंह खोल कर दिखाया तो माँ ने देखा कि उसके गले के अंदर एक मटर का दाना फंसा हुआ है। तो माँ ने उस मटर के दाने को अपने चोंच से निकालने की कोशिश की लेकिन मुर्गी की भी चोंच छोटी होती है, इस वजह से उसकी माँ नहीं निकाल पाई। तो उसकी माँ ने सोचा कि चलो मैं इसको बगुला के पास लेके जाता हूँ। बगुला एक पक्षी है और उसकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है, इसलिए बच्चे को उसके पास मुर्गी लेकर गई। तो उसने देखते ही अपने लंबे चोंच से उसके गले से मटर का दाना निकाल दिया। जैसे ही मटर का दाना उसके गले से निकला तो उसे आराम मिला, चैन मिला। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, आप जो बोलोगे आपकी वो बात को मैं मानूंगा, आपको बिना बताए मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अगर हमसे कोई बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, शिक्षक हैं, अगर आपको किसी चीज के लिए समझाते हैं तो हमें उस चीज को ध्यान से समझना है, क्योंकि आप उनसे छोटे हो, आपको सही गलत समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको बड़ों से सीखना है। अगर आपको बड़े जो भी बताते हैं ध्यान से सुनिए और आज्ञा का पालन करिए।